हीरालाल और करतार सिंह वैसे तो कबाड़ी हैं, लेकिन इन पर आरोप है कि ये पिछले कई सालों से इस्तेमाल की हुई सुइयों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पाइप्स और ग्लूकोज पाइप्स को साफ करके आगे सस्ते दामों में बेचते थे। काफी मात्रा में यू सिरिंजेस और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स, कुछ एक्सपायर्ड सिरिंजेस वगैरह रिकवर किए गए हैं। एग्जैक्ट रिकवरी करीब 1030 सिरिंजेस हैं। पुलिस को पश्चिमी दिल्ली में एक ऐसा गोदाम भी मिला है जहां देश भर से ऐसा सामान आता था और उसे आगे बेचा जाता था, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ऐसे सामान के दोबारा इस्तेमाल की संभावना तो कम है, लेकिन फिर भी इसके खतरों को देखते हुए कई कदम उठाए जा रहे हैं। अपने हॉस्पिटल्स के अंदर तो समय ऑटोक्लेव और इंसिनरेटर लगाए हैं, और अपन तो हम प्राइवेट के लिए भी वर्कआउट कर रहे हैं, परंतु दिक्कत ये आ रही है कि कई आसपास के स्टेट्स जो हैं जहाँ पे कि ऑटोक्लेविंग और शेडिंग नहीं की जा रही है, वहाँ से प्लास्टिक बेचने के लिए लाई जाती है। हीरालाल और करतार सिंह जैसे लोग देश भर में चल रहे ऐसे अपराध की सिर्फ एक झलक भर हैं। इस्तेमाल की हुई बदबूदार चीजों को दोबारा सस्ते दामों में बेचकर ये लोग कानून को धोखा देने के साथ साथ आम इंसान की सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। वर्तिका नंदा, स्टार न्यूज़।